हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो खाना पीना हो गया है, खाना मतलब केवल खाना पीना नहीं है। निकलते हैं काम की तरफ और मिलते हैं शाम को। घर के बाहर इतनी खूबसूरत लड़की है, क्या की है ना, वाओ। शर्मा क्यों रही हो यार, शर्मा क्यों रही हो? तो चल रहे इति मैम को लेने, उनको चलना है करवा चौथ की शॉपिंग करने। सॉरी आई एम मैरिड, प्लीज निकलो मेरी गाड़ी से। कैसे कोशिश कर रही हो? आई एम मैरिड। चलती है क्या यार? मैं खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। सुपर मॉडल इन टाउन, सुपर मॉडल कुछ भी। तो गाइस आपको दिखाते हैं यहाँ फैजाबाद में कितने आराम से फ्री होके गाय घूमती रहती हैं। तो इसमें क्या था? दो गाय वहाँ पर भी खड़ी हुई है। तो दो गाय यहाँ पर भी खड़ी हुई है। गाय भगवान मानी जाती है हमारे यहाँ। तो भोपाल नहीं है। तो फ्री होके मतलब हथकड़ी लगा दी इसके हाथों में। तो कहाँ ही होती? मार्केट कल करवा चाहते हैं ये। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर लिए करवा चौथ की। एक और शॉप पे जाना है मिठाई लेने के लिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, कभी भी कुछ लेने जाती है ना मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। इति को वैसे भी कुछ नहीं समझ में आता, शॉपिंग तो एक अलग सेक्टर हो गया। गाइज आप सोच रहे हो कोई लड़की ऐसी भी है जो शॉपिंग करने जाए और कुछ ना लेके आए? मैं वैसी लड़की। तो गाइज मैंने ये लिया है गिफ्ट रैप करने के लिए। अभी कल करवा चौथ है ना, तो अमन मुझे गिफ्ट देगा, तो मैंने ये लिया कि ऐसे मत देना, इसे पैक करके देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? मेरी वाइफ का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। ऐसे तो स्कूल का हेडमास्टर चलता है एकदम हाथ पीछे करके डॉन की तरह। वाओ इतनी सारी शॉपिंग और डेढ़ घंटा भी। मैंने कहा था ना मैं ऐसी हूँ, मैं शॉपिंग करती नहीं हूँ, मुझे आदत ही नहीं शॉपिंग करने की। ऋषि के लिए भी एक सामान देखा है, रेड चिली सॉस। डेढ़ घंटा लगा के इतना टाइम खत्म करके मैडम ने 59 रुपीज का ये लिया है। और प्राउड कितनी है? मुझे लगा था ये 100 रुपीज का है, पर पता नहीं कितने का है। तो अरे ये 59 में ये दोनों आ गए। तो चलो भैया को वापस और पैसे दे देते हैं। थी आ जाओ। नहीं बल्कि और ले लेते हैं। तो चलती गाड़ी में डबल जिम की एक्सरसाइज शुरू कर दी है, क्योंकि इसने शॉट पे देखा इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा चेन आ रही है और मेरे को बोल रही है मैं गलत शूट करता हूँ। नहीं आ रही है, देखो तुम जब करते हो पता नहीं क्या करते हो कि मेरी डबल चेन दिखने लगती है। ऐसी है नहीं, देखो कहाँ दिख रही है। नॉर्मली मेरी भी नहीं। और टाइट कर ली इसी को रहो। और जब मैंने इसकी बात पे हल्का सा जोक किया तो इसने मुझे चाटा मारा, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि चाटा पड़ रहा था। बट वॉट एवर यार, नाटक कुछ नहीं दे सकते यार, इससे अभी समझा करो यार। अभी रुक जाओ 10 मिनट में, तुम्हारे डिनर का टाइम है ना बच्चे। अरे एक प्लेट ला दो प्लीज, जिसमें चॉप करके रखने के लिए, प्लीज एक प्लेट ला दो प्लीज। ओके अरे खुद को काट ली है, वाओ। पर तुम तो इससे भी ज्यादा तीखी हो। तो इति कल करवा चौथ पे मेरे लिए क्या स्पेशल गिफ्ट है? फास्ट। बट उसके अलावा अगर तंग ना करो तो थोड़ा। मैं वैसे भी नहीं करती। बिल्कुल तंग नहीं करती ना। तुम्हारा नेचर तुम अपने आप को डिस्क्राइब करो कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा इन द सेंस, एकदम सुलझा हुआ, शांत और सबसे प्यार करने वाला और लोगों की मदद करना, छोटों से प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना। इसकी खुद की शक्ल बता रही है कि मैं कितनी बड़ी झुट्टी हूँ, पर मैं दूसरों को बोल तो रही हूँ। कहते हैं तुम क्या कौन इसमें से एक दो हैबिट तुम्हारे अंदर सच है कि वो भी मैं नहीं सोच पा रहा, सच बता रहा हूँ। शांत स्वभाव तो कहीं से नहीं है, लोगों को लगता होगा कि शक्ल आवाज से नहीं पता चलता। अभी अभी वही शांत लग रही, लेकिन जिस गुस्से से तुम काट रही हो शिमला, क्या निकला इसके अंदर? एक और शिमला में इसकी पेट में बच्चा था और तुमने उसको काट दिया। मत बोलो यार, कैसी बातें कर रहे हो। गुड मॉर्निंग एती, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ टू यू एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। यार पता है मैं सुबह सर्दी खाने के लिए नहीं उठी। तो इसके लिए आंखें तो खोल ही सकती हो कि आंखें क्यों बंद है? आंखें नहीं खुल रही, मेरी नींद खुली थी लेकिन मैं उस टाइम तो भूख ही नहीं लग रही थी। मैं कौन खाएगा इतनी सुबह सुबह उठ के, सो जाओ चुपचाप। तो मैं सो गई, मैं उठी नहीं। नींद आई तुम्हें? बिल्कुल इतनी सोती नहीं, आके देखो बेचारी। किसी की अभी अभी सुबह हुई है और वापस से रात हो गई, क्योंकि वो सबसे प्यारी लड़की है और लेजी भी। और यहाँ पे दूसरी सबसे लेजी लड़की है। लेजी नहीं, जल्दी से आटा गूंदो, मुझे खाना टाइम पे चाहिए। इसका मैं दिया बनाऊंगी पूजा के लिए। क्या बनाओगी? दिया। फिर खा लोगी?
क्या इतना अच्छा तो है दिया, इसमें गलत क्या है? पता नहीं क्या बन गया, बहुत अच्छा दिया है। या बचपन में बहुत अच्छी दिया बना लेती थी, अब मुझे आती ही नहीं है। अभी भी तुम बहुत छोटी ही लगती हुई थी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ अभी भी मैं छोटी हूँ, 15 साल की। बिल्कुल, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। थी मेरे ख्याल से ऐसे मॉडर्न दिए होते हैं, मैंने तो नहीं देखे, शायद अभी भी आएंगे मार्केट। इतनी सुबह सुबह आई मेरे पास और रोने लगी कि मैं कितनी खुशनसीब औरत हूँ कि आप जैसा पति मिला। अच्छा सुबह सुबह तुम्हें सपना आया था? नहीं, तुम आई थी मेरे पास। इसको लगा है कि इसने कितने पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में कि मैं मिला। कोई बात नहीं, सबकी किस्मत नहीं होती, बट गुड गर्ल, किस्मत वाली है तुम। अच्छा मन, आज तुमने भी फास्ट किया है करवा चौथ का? गाइस हाँ, जो जो मैरिड है ध्यान रखिए कि अगर हमारी वाइफ हमारे लिए फास्ट रख रही है ना, तो हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें भी फास्ट रखना चाहिए। तुम रख रहे हो? रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। नहीं रखना तो चाहिए, बट तुम रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? मैं बता रहा हूँ सबको रखना चाहिए ना, तो मतलब मैं समझा तो रही हूँ ना, मेरी नीयत तो अच्छी है। अच्छा Few moments later. ये देखो गाइस, ये फास्ट रखा है अमन ने, अभी आप लोग को ज्ञान दे रहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था रखना चाहिए, मैंने तो कहा नहीं मैं रख रहा हूँ, मैंने कोशिश की बट नहीं हो पा रहा यार, अभी जाके काम वाम करना है इसी के लिए, तो बस इसीलिए थोड़ा खा रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बात, मैं आया तो डांटने के मूड से था, क्योंकि मुझे लगा तुमने कुछ खाया है मेरे पीठ पीछे। हाँ ये खा तो नहीं मैं, ये मैं खा सकता हूँ बिल्कुल नहीं, प्रसाद के लिए, पूजा के लिए, आज मैं जाऊंगी ना पूजा में। पूजा आ रही है वहाँ पे? अरे पूजा नहीं आ रही है, वो करवा चौथ की पूजा कर रही है। ओह सॉरी सॉरी, कौन पूजा, मैं खा लूंगी अभी। नहीं खाना, अगर पता लगा मैं गिर गया तो। तो इति ने कुछ बनाया है, देखते हैं क्या बनाया आज इसने। आज मैंने छोले बनाए। उसका क्या है? ये शालिनी ने फरे बनाए, खत्म हो गए, बहुत पड़े तो मैं रात में खाऊंगी। इसमें क्या है? खीर। तो गाइस आज मैंने डिनर के लिए छोले, खीर, पूरी बनाऊंगी, तो पूरी मैं पूजा के बाद आके बनाऊंगी। क्या चमक रही हो, एकदम हीरोइन लग रही हो। थैंक यू। झुमके भी एकदम। पहले मैं सोच रही थी गले का पूरा चोकर पहनूं इसी के साथ का, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी थी, सूट भी हेवी है। नहीं सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है पता है मुझे, बहुत अच्छा पूरा ये कलर मेरे पास था ही नहीं, दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन, जुत्ती भी मैच कर गई। ये मैं भोपाल से लेके आई थी। भोपाल से? हाँ। ये नाम मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाइस ये मेरी थाली है आज शाम की पूजा के लिए, अभी हम एक घर जाएंगे जहाँ पे सारी औरतें इकट्ठा होंगी और पूजा करेंगे, वहाँ पे अमन का कोई काम नहीं है। काम नहीं है का मतलब क्या? काम नहीं है मतलब तुम्हारी वहाँ जरूरत नहीं है, बस औरतें आती हैं और ऐसे yes. थाली करके पूजा करती है। yes. तुम्हारा काम है रात को 9 बजे जब भी चांद आएगा तब। अच्छा मेरा चांद तो मेरे सामने है। दिखाओ थाली में क्या क्या है। प्रसाद, इस बार मैंने सिर्फ 2 ही केले रखे हैं, हर बार 5 फ्रूट्स रखती थी तो मेरी थाली बहुत हेवी हो जाती थी, तो इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा नहीं रखा। ये टीका है, अगरबत्ती, ये लौंग, इलायची, मिश्री, प्रसाद, ये जल, ये दी आज सुबह जो मैं बना रही थी ना, इसीलिए बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा घी डलता है ताकि लंबा चले, बहुत देर तक पूजा होती है। अच्छा, और ये दिया जलता रहेगा और जब सुबह सुबह बोल रही हूँ, जब 9 बजे चांद की पूजा होगी ना तो भी ये दिया यूज करूंगी। तो क्या वहाँ से जब वापस आओगी तो जला हुआ रहेगा दिया, फिर तो बुझ जाएगा ना? नहीं जलता रहता है, ऐसे संभाल के लेके आना होता है। गाड़ी में आओगी इधर उधर चलोगी तो कैसे चलेगा? नहीं संभला रहेगा। इतनी कंफ्यूज है कि बुझ तो सकता है, मैंने बोल क्या दिया लास्ट टाइम, मैंने क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम। दिया वहाँ देर तक पूजा होती है तो दिया जलता रहना चाहिए। इतनी एक बार जाते हो वो गाना गा दो मेरे लिए प्लीज, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। भाई तो जैसा भी अब क्या करे, मेरा पति है देवता ही है। मैं कुछ मतलब थोड़ा स्पीचलेस हो गया हूँ, गुस्सा भी आ रहा है पर क्या कहे। भाई सब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए, अमन घर का ख्याल रखेगा पूरा। है थी बोले तो बाहर ही बैठ जाओ। हाँ तुम तब तक देखो, जब तक हम लोग वापस नहीं आते ना तब तक तुम लोग तुम बाहर ही बैठना। इतनी सीरियस तरीके से बोल रही हो, मुझे लगा कुछ अर्जेंट काम बता रही हो। तो अर्जेंट ही कहे। तो इति आ गई है और हंस रही है और क्यूट लग रही है। इति कैसी हो, थक गई? अब क्या प्लान है तुम्हारा? ऊपर जाएंगे, चांद की पूजा करेंगे,
तो चांद अभी आ गया होगा? अभी नहीं आया। कितने बजे आएगा फिर? 9 के अराउंड। आज के दिन तो वैसे भी लेट आता है। एक काम कर सकते हैं, तुम छत पे चले जाओ और वहाँ बैठो, जैसे ही मुझे फोन कर देना मैं आ जाऊंगा। तुम छत पे जाओगे और बताओगे जब चांद आएगा, फोन कर देना, मैं अपना सामान लेके ऊपर आ जाऊंगी। तो मेरे हिसाब से तो चांद आ गया, चलो ऊपर बैठा जाए 2 घंटा। क्या करेंगे, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं है। भूख लग रही है तुम्हें? इतनी नाराज है क्यों? इतनी अच्छी फोटो आ रही है फिर भी इसको नहीं अच्छी लग रही है, बताओ। तो चांद आ गया है और बहुत खूब, अच्छा सॉरी गाइस, चांद आ गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। बेटे मौज कर दी, कितना खाओगी यार, सुबह से हचक के खाई तो रही हो। पहला बाइट पति को होता है, शुभ काम करते हैं पहले। सुनाटा रीति को समझा रही है, तुम कैसी औरत हो जब तुम्हारे पति ने नहीं खाया तुम कैसे खा सकती हो, ओ माय गॉड। और रीति खाती जा रही है और सुनाटा क्या हुआ, उसको भी खाना है। सोनटी क्या खाओगी तुम? कोई यहाँ पे बहुत थक चुका है जो कि मैं हूँ, बट कोई बात नहीं, हम इति को ब्रेक देते हैं। सोने जा रही हो इति? क्यों? थक गई। कोई बात नहीं, बेचारी थक गई है, तो कोई बात नहीं गाइस, अब हम मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एंड सी यू गाइस सून। इति गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। ऐसे गुड नाइट नहीं चलता, थोड़ा जोश से गुड नाइट गाइस। डांट रही हो क्या? ओके गाइस गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। बाप रे, तो मरीज लग रही है। बाय बाय।